दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक रोचक कथा सुनाऊंगा। जी हाँ, अभी श्रावण का माह आया है, श्रावण सोमवार आए हैं, हम सब अब भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना सब कुछ करने जा रहे हैं। तो चलिए उसी के साथ मैं आपको एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा पौराणिक कथा है और भगवान भोले शंकर और माँ सती के बीच में ये कथा है। तो दोस्तों ये पूरी कथा सुनिए, छोटी सी ही कथा है। एक बार सनत कुमारों ने भगवान त्रिपुरारी से पूछा कि आपको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है। तो त्रिपुरारी ने बताया, जब देवी सती ने उनके पिता जो दक्ष थे उनके यहाँ योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, उस वक्त देवी सती ने त्रिपुरारी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने उस जन्म में युवावस्था में ही श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था और उन्हें प्रसन्न किया था, मतलब त्रिपुरारी को प्रसन्न किया था और उनके साथ विवाह किया था। तब से महादेव के लिए ये माह विशेष हो गया है। तो दोस्तों ये था त्रिपुरारी का उस पर जवाब और ये थी छोटी सी श्रावण माह से जुड़ी रोचक कथा। तो दोस्तों ये कथा कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।